में एक ही पार्टी है, एक ही नाम है जहाँ से वो सांसद हैं, नरेंद्र मोदी, क्योंकि बनारस में उनका जो काम है वो बोल रहा है। सीधी सी बात है कि आपके दोनों हाथ में अगर लड्डू है तो आप परिवर्तन क्यों चाहेंगे? निरहुआ जीतेंगे कि हारेंगे, स्मृति ईरानी जीतेंगे कि हारेंगे, अखिलेश यादव जीतेंगे कि हारेंगे, शिवपाल यादव जीतेंगे कि हारेंगे, मैनपुरी में डिंपल यादव का क्या होगा, पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी का क्या होगा, ये सारे तमाम सवाल जो हैं वो कहीं ना कहीं 2024 में एक तरीके से छिपे हुए हैं। लेकिन एक ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी को सबसे ज़्यादा भरोसा होगा कि उसका प्रत्याशी उत्तर प्रदेश की ये सीट जरूर जीतेगा, और इस सीट का नाम है वाराणसी, और यहाँ से सांसद हैं पीएम नरेंद्र मोदी। दो बार से सांसद हैं और तीसरी बार भी वो माना जा रहा है कि वो काशी से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में इस सीट पर क्या समीकरण है, क्या माहौल है, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बनारस की सीट के इतिहास की। तो ये इतिहास जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एक तरीके से बराबर फंसा हुआ, ये सीट बीजेपी की भी रही है और कांग्रेस की भी रही है। पारंपरिक तौर पर शुरुआत में इस पर कांग्रेस का कब्जा रहा और धीरे धीरे यहाँ पर बीजेपी जीतती रही। अगर आप एग्जैक्ट बात करेंगे तो 7 बार बीजेपी जीती है, 6 बार कांग्रेस जीती है, इसके अलावा लोक दल, जनता पार्टी और एक बार CPI भी यहाँ से चुनाव जीती है। लेकिन समाजवादी पार्टी या बसपा जो एक तरीके से भी विपक्ष में है उत्तर प्रदेश में, उनका यहाँ खाता नहीं खुला है, वो आज तक यहाँ पर अपना खाता नहीं खोल पाए। अगर आप पिछले 4 चुनाव की बात करेंगे तो 2004 में यहाँ से चुनाव जीते थे कांग्रेस के राजेश मिश्रा, उसके बाद 2009 में मुरली मनोहर जोशी आए और वो बनारस से सांसद हुए। 2014 में लहर बनी, मोदी लहर, और तब नरेंद्र मोदी ने कहा कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, वो आए और चुनाव जीत गए, और 2019 में भी वो चुनाव जीत गए। 2014 में उन्होंने केजरीवाल को 3 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया था और तीसरे नंबर पर रहे थे अजय राय, जिनको ये माना जा रहा है कि वो इस बार कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं, जो वहाँ के स्थानीय बड़े दिग्गज नेता हैं। अजय राय की बात करें तो वो बनारस में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं, क्योंकि उनके जाति समीकरण उनके फेवर में। लेकिन अगर आप विधानसभा वाइज बात करेंगे तो बनारस जिले में 8 विधानसभा आती हैं, जिस पर 2022 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, 6 बीजेपी जीती, 2 उनकी सहयोगी पार्टी ने जीत दर्ज की। वहीं अगर आप सीधा सीधा बनारस की बात करेंगे तो उसमें भी जितनी सीटें आती हैं सब पर बीजेपी का कब्जा है। तो अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर मोदी के लिए बिल्कुल फेवर बराबर दिखते हैं। वहीं अगर आप जाति समीकरण की बात करेंगे तो वो भी बीजेपी के पक्ष। अगर आप बात करेंगे सीट पर तो कुर्मी, भूमिहार और ब्राह्मण जो है बहुत ही अच्छे खासी संख्या में, इसके अलावा वैश्य, यादव और मुसलमान जो है वो इस पूरे समीकरण में निर्णायक साबित होते हैं। पहले हम आपको एक अनुमान के मुताबिक बताते हैं कि यहाँ पर किन जातियों की कितनी संख्या है। एक अनुमान के मुताबिक गैर यादव OBC की संख्या करीब 3 लाख है, वहीं ब्राह्मणों की संख्या भी 3 लाख करीब बताई जाती है, मुसलमान भी करीब इतने ही है, कुर्मियों की संख्या 2,50,000 बताई जाती है, वैश्य वोटर जो है वो 2 लाख करीब बताए जाते हैं और यादव 1,75,000 बताए जाते हैं। पारंपरिक तौर पर यादव जो है वो यहाँ पर समाजवादी पार्टी को वोट देता रहा है। भूमिहार कहीं ना कहीं अजय राय के साथ जा सकता है अगर वो चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि वो उसी बिरादरी से आते हैं। ब्राह्मण बीजेपी के साथ रहा है, कभी कभी कांग्रेस के साथ भी रहा, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के कद्दावर ब्राह्मण नेता राजेश मिश्रा है, जो चर्चा है कि वो कभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, हालांकि भी चर्चा है। अगर ऐसे में कोई समीकरण बनता है तो नरेंद्र मोदी को यहाँ पर टक्कर मिल सकती है जातीय समीकरण के हिसाब से, यानी कि अगर सपा कांग्रेस का गठबंधन हो, अजय राय मैदान में हो, ब्राह्मण उनके साथ हो, मुस्लिम यादव का समीकरण बने, तब ये बहुत सारी शर्तों के साथ। और ये क्या ऐसा होगा, क्या समीकरण बनेंगे, ये जानने के लिए हमने बात किया स्थानीय पत्रकारों से। जाति समीकरण तो हमेशा हावी रहा है, लेकिन इस बार जाति समीकरण में भी विकास ने सेंध मारी है, और शहर के अंदर जो विकास हुआ है उसमें जो बिल्कुल घोर जातिवादी उनको छोड़ करके बाकी लोग इस तरफ आ रहे हैं, हालांकि मुसलमान भी इस तरफ आ रहे हैं कि उनको रोज़गार चाहिए, उनको विकास चाहिए, उनको परवरिश चाहिए, इसको देखते हुए जाति समीकरण चलेगा, लेकिन उतना नहीं विकास का मुद्दा हावी है। बकवास है, बकवास है। बनारस में कभी भी जातीय समीकरण कोई मतलब नहीं रखा है। हाँ, ये सही है कि शुरुआती दौर में जाति विशेष का असर रहा है, लेकिन बनारस शहर के अंदर वो चाहे जो भी हो, यहाँ पर ये है कि ब्राह्मण डोमिनेटेड एरिया है, ब्राह्मण भूमिहार पटेल डोमिनेटेड एरिया है, लेकिन जब इतना मजबूत कैंडिडेट आपके सामने आता है तो वहाँ जातीय समीकरण कोई काम नहीं करता।
तो भैया स्थानीय पत्रकार ये कह रहे हैं कि जाति समीकरण बनारस में फेल है, क्योंकि यहाँ से पीएम नरेंद्र मोदी सांसद हैं, उनके होने के बाद यहाँ विकास की गति बहुत तेज हुई है और जातीय समीकरण हमेशा से यहाँ फेल रहा है। यहाँ पर एक जाति विशेष का प्रभाव तो जरूर रहा है, लेकिन पार्टियां नेशनल पार्टी हमेशा यहाँ पर मजबूत रही है। क्या अजय राय चुनाव लड़ेंगे, क्या नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे और क्या ये टक्कर होगी? अगर होगी तो भी स्थानीय पत्रकारों की माने तो नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव बहुत आसान होने जा रहा है। यानी कि बीजेपी ने जो रेड येलो ग्रीन जोन में अपनी सीटों को बांटा है, तो ग्रीन जोन में सबसे ऊपर वाला जो ग्रीन होगा वो शायद वाराणसी की सीट होगी। लेकिन अगर आपकी सीट के बारे में जानकारी जानना चाह रहे हैं कि वहां पर किसका मामला फंसा हुआ है, किसका मामला अटका हुआ है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा कौन जीतेगा यूपी लोकसभा इलेक्शन की प्लेलिस्ट, जहां पर आपको अपनी सीट की जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि आपके लोग जो है, यानी कि आपके आसपास के लोग हैं, वो क्या बता रहे हैं भैया किस बार किसको वोट देना है, कौन माहौल बना रहा है, किसके समीकरण भारी है। फिलहाल ये स्टोरी वाराणसी से भेजी थी हमारे सहयोगी रोशन जायसवाल ने, प्रस्तुत किया है मनोरंजन ने और कैमरे के पीछे हैं सिद्धार्थ। देखते रहिए यूपी तक, नमस्कार।